मैं हूं वेंकटेश। मेरे YouTube चैनल और इंस्टा में आपका स्वागत है। आज मैं एक अलग किस्म का डोसा बनाने वाला हूं, जो है काले चने का डोसा, प्रोटीन से भरपूर काले चने का डोसा। चलिए शुरुआत करते हैं काले चने का डोसा। काले चने के डोसे के लिए हमने काला चना लिया है, करीब आधा किलो, हाफ के जी, और हमने इसे रात भर पानी में भिगो के रखा है, तो सुबह थोड़ा सा फूल गया। देखिए, एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में काले चने को अब डाल दीजिए पानी अलग कर, और मैं दो बैचेस में पीसने वाला हूँ। अब आधा लिया मैंने, बाकी जो बचा है वो मैं बाद में पीसूंगा। इसमें नमक स्वाद अनुसार डालिए, मैं करीब एक और आधा चम्मच ले रहा हूँ। जीरा करीब दो चम्मच, ये है सूजी रवा करीब एक कप, और इसमें जाएगी दो हरी मिर्च, करी पत्ता करीब 10 करी पत्ता, धनिया हरा धनिया, हरा धनिया के बाद एक 6 से 8 लहसुन की कलियां, और करीब 1 से 1.5 इंच अदरक, और हम लेंगे दही, एक कप दही, करीब करीब एक कप दही, और इसमें हम एक छोटी कप पानी। अब इस मिक्सचर को पीस लेंगे हम, इसे हम पीस लेंगे। हम चेक कर लेते हैं, डोसा बैटर तैयार हो गया। अभी हम जो बाकी बचा हुआ चना है वो भी पीस लेंगे। बड़े से बाउल में इसे ट्रांसफर कर दीजिए। और जो बचा हुआ चना है उसे भी हम पीस लेंगे, थोड़े से पानी ऐड कर, पानी मिलाकर। दूसरा बैच है काले चने का, जो हमने पीस लिया, बहुत ही अच्छे से पीस लिया। अब हम इसको निकाल कर इसी में ऐड कर देंगे, जो हमने पहले पीस किया था। और इसे अच्छे से मिला लीजिए, और इस बैटर को तकरीबन आधे घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। एक डोसा तवा लीजिए और उसे गर्म करने रख दीजिए मीडियम हीट पर। जब तवा अच्छा गर्म हो जाए तो थोड़ा सा पानी छिड़किए इसके ऊपर, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी छिड़किए, और बैटर लीजिए कड़छी में, और हल्के हाथ से सेंटर थोड़ा सा तेल छोड़िए ऊपर से,
और इसे मीडियम हीट में पकने दीजिए। करीब करीब एक से डेढ़ मिनट तक हमने पकाया और आप देख सकते हैं थोड़ा लाइट ब्राउन कलर भी आ गया, और जब ये पक जाएगा तो तवा से इजीली आराम से ऐसे छूट जाएगा। इसे पलटी कीजिए, करीब एक मिनट और पकाइए। काला चना डोसा तैयार खाने के लिए। काला चना डोसा खाने के लिए तैयार। इसे आप नारियल के चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही पौष्टिक काला चना डोसा तैयार है परोसने के लिए। इसे आप नारियल के चटनी के साथ परोसिए और गर्मा गर्म खाइए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। आपको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।